स्टार प्लस के शो अनुपमा के सेट से एक बेहद ही बड़ी और बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि अनुपमा में अनुपमा का कैरेक्टर प्ले कर रही रूपाली गांगुली कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। साथ ही सुधांशु पांडे भी बीमार हैं, यानी कि हो सकता है कि वो भी जल्द कोविड पॉजिटिव ही सामने आए। इसके साथ आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि शो में काम कर रहे आशीष मल्होत्रा, जो कि पारितोष का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव थे, जिस वजह से उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया है। यहाँ पर इसे देखकर तो यही पता चलता है कि वनराज और अनुपमा के साथ शूटिंग करना बेहद डिफिकल्ट है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मेकर्स ने ये फैसला सुनाया है कि इस वजह से शो ऑफ एयर नहीं होगा, कुछ समय के लिए भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें इस तरह के क्राइसिस से निपटना पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसका इंतज़ाम किया हुआ था। शो के कुछ एपिसोड्स को खींचा जाएगा, साथ साथ उन कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जिनके साथ बिना अनुपमा वनराज और पारितोष के काम किया जा सके, यानी कि स्टोरी अभी कुछ और लोगों की तरफ फोकस करेगी। जो भी हो, शो का ट्रैक दिलचस्प है और मेकर्स को अच्छी तरह पता है कि व्यूअर्स का दिल उन्हें कैसे जीतना है। चलिए तो इसी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजें कि इन दोनों तक आप अपनी कितनी विशेस पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि असल में इस समय इन्हें सिर्फ अपने फैंस की विशेस की ही ज़रूरत है। सब्सक्राइबर्स, टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।